आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टेंट पे से आप कस्टमर के अकाउंट से पैसा को कैसे निकाल सकते हैं या कैसे बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टेंट पे से पैसा निकालने के लिए सबसे आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें यहाँ आप टाइप करेंगे इंस्टेंट पे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होगा। फर्स्ट वाला लिंक है इंस्टेंट पे मॉडर्न बिजनेस एंड बैंकिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप नए यूज़र हैं तो ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अगर आप पुराने यूज़र हैं तो यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको परमिशन दे देंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या पासवर्ड डालेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP वहाँ डाल के सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड पे यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ व्यू बैलेंस पे क्लिक करके आप अपना वॉलेट का बैलेंस चेक कर सकती हैं, आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है। उसके बाद यहीं से आप डीजी केंद्र पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पैसा निकालने के लिए अब आधार ATM पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी बैंक का आपको पैसा निकालना है, जैसे कि मुझे पंजाब नेशनल बैंक का मुझे बैलेंस इंक्वायरी करना है तो ये पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अपना आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद अगर निकालना है तो यहाँ अमाउंट डालेंगे। अगर मिनी स्टेटमेंट चेक करना है तो मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना है तो बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे और कैप्चर बायोमेट्रिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। कैप्चर बायोमेट्रिक्स के ऊपर क्लिक करते ही आपके मॉर्फो फिंगर में लाइट आ जाएगा, या फिर जो भी डिवाइस आपके कंप्यूटर से अटैच किया हुआ है उस पर लाइट आएगा। उस पर हम अपना फिंगर रखेंगे, कस्टमर का फिंगर रखेंगे और देखिए यहाँ फिंगर स्कैन ले लिया है। ये हमें वेट करने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ पे वेट करेंगे और देखिए यहाँ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। आपका ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगा, यहीं से आधार नंबर आ जाएगा, लास्ट का 4 डिजिट, यहीं से आपका बैलेंस इंक्वायरी भी हो जाएगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर आपको यही बैलेंस को निकालना है तो उसके लिए आप रिपीट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको दोबारा आधार नंबर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और जितना भी अमाउंट निकालना है उतना यहाँ पे डालेंगे। जैसे मुझे 10 रुपया निकालना है तो हम यहाँ 10 रुपया फिल कर देंगे और कैप्चर बायोमेट्रिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मॉर्फो फिंगर में फिर से लाइट आ जाएगा। आप अपना वहाँ पे फिंगर रखेंगे और आपका यहाँ स्कैन सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ फिंगर रख दिया है, मेरा यहाँ पे वेट करने के लिए हमें बोल रहा है, हम वहाँ वेट करेंगे। देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल मेरा हो गया है, 697 रुपया मेरे अकाउंट में अब बचा है और अमाउंट हम 10 रुपये का ट्रांजेक्शन किए हैं। इसी तरह से आप इंस्टेंट पे से पैसा निकाल सकते हैं।